नमस्कार, मैं हूं सोम मराठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार का भागलपुर, जो पूरे विश्व में सिल्क सिटी नाम से प्रसिद्ध है, उसी भागलपुर के वो लोग जो देश विदेश में सिल्क का काम किया करते थे, वो कारीगर अब मजदूर बनने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि भागलपुर जो सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध था, वहाँ के वो मशहूर कारीगर जिन्होंने उस शहर को वो प्रसिद्धि दिलाई, अब उनके पास काम ही नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। अगर वो अपनी मशीन्स चला भी रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि उनके धागे खराब ना हो जाए, ताकि उनके धागे सड़ ना जाए। अभी ऐसे कारीगर थे जो मजदूर बनने के लिए मजबूर किए जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि सिल्क का तो धंधा अब उन्हें मिल ही नहीं रहा, लेकिन परिवार की गुजर बसर करने के लिए उन्हें कोई ना कोई काम करना पड़ ही रहा है। बात हम सिल्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले भागलपुर के नाथनगर के चंपारण नगर क्षेत्र की कर रहे हैं, जहां लूम चलाने वाले बुनकर और कारोबारियों की पीड़ा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लूम चलाने वाले बुनकरों की आंखों में अपनी मजबूरी को बयां करते करते पर्वत से ही आंसू आ रहे हैं। बुनकर उन्हें सरकार से अपने परिवार वालों के लिए दो वक्त की रोटी के लिए गुहार लगा रहे हैं। परिवार के बच्चों की उचित शिक्षा दीक्षा कराए जाने के लिए भी मांग कर रहे हैं। एक बार अगर आप सुनिए कि भागलपुर के ये लोग क्या कह रहे हैं। बहुत खास्ता हो रहा, मतलब एकदम गिर गए हम रोजगार। क्या कारण है इसका? कारण क्या है? कारण यही है कि काम धंधा कहीं आन जान नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो बिल्कुल ठापा पड़ा हुआ। रोजगार का मतलब ये हुआ कि आन जान होगा तभी तो चलेगा, जो नहीं चल रहा। तो क्या आपको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, या फिर कच्चा माल मतलब आपको क्या उसके लूम के लिए जो मटेरियल आती है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्या? भी आन जान होगा तब ना उपलब्ध होगा, जहाँ से मिल है वहाँ मिल से सुनता आ देगा, तो फिर यहाँ से जो हम लोग लावेंगे, हम लोग का मतलब जो है खान माल कोई लेने वाला है, व्यापारी जो है आदेल करता है, इसे करके हम लोग जो है बैठे हुए हैं, भुखमरी हो रहा। सरकार से क्या मांगो कि आप लोग? सरकार से हम लोग क्या मांग कर सकते हैं, सरकार का तो खुद आदमी सब जो है आता है देखता है, हालत खराब हो गया। तो आप घर परिवार किस प्रकार से चलाते हैं? वही काम धंधा कर करके, मेहनत मजदूरी ऐसे भी है कि मिलता नहीं है, कहीं भी कुछ हल्का फुल्का जो है मिला, मिला नहीं मिला तो बैठ करके। आपके पास कितने लूम है? मेरे पास तो भाड़े का रूम है। और तो कितना लूम बंद है भाड़े का जो अभी आप चला रहे हैं? लूम जो चारों है तो चारों बंद है, नहीं के बराबर, इसलिए महाजन के पास सुताने आता, हम लोग को सुताने देता। क्या नाम हुआ आपका? राम ले। स्थिति ये है कि सिल्क नगरी का नाम तो बरकरार है, लेकिन सिल्क बनाने वाले बुनकरों के हालात दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। हालात तो पहले से ही गड़बड़ थे, लेकिन 1.5 साल से लॉकडाउन फर्स्ट हुआ और फिर लॉकडाउन टू हुआ, तो लॉकडाउन फर्स्ट में जो ऑर्डर बनना था वो सारा माल रुका, महाजन के यहाँ जो पैसा बकाया था वो वहाँ से आया नहीं, और फिर दिसंबर और समझ लीजिए कि जनवरी में कुछ बिजनेस का सुधार होने का आसार नज़र आया, तो फिर मार्च में दोबारा जो है लॉकडाउन लग गया। आज स्थिति ये है कि काम धंधा तो दूर की बात, रोजी रोटी की समस्या हो गई। सरकार हर स्तर से काम कर रही है और हमेशा बुनकरों के अच्छाई के लिए जो है तरह तरह की घोषणाएं करती रहती है, लेकिन हकीकत में जमीन पर यह नजर नहीं आता। अगर सरकार भागलपुर सिल्क नगरी को बचाना चाहती है तो भागलपुर के बुनकरों के लिए स्पेशल पैकेज देना हो। हमने कोई बहुत बड़ा पैकेज सरकार से नहीं मांगा, जो काम करने वाले हमारे बुनकर हैं, जो दूसरे का जाके लूम चलाते हैं, वो दाने दाने को मोहताज हो गए। सरकार को चाहिए कि 10,000 रुपया प्रति बुनकर उनको अनुदान देना चाहिए, जिससे उसका जो है जीवन यापन जो है सही ढंग से चल सके। बुनकर जो है जो माल तैयार करते हैं उसको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जो एक बात है, हमारे यहाँ दो तरह के लोग, एक तो लूम चलाते हैं और एक लूम चलवाते हैं। मेन जो रोल है वो लूम चलवाने वाले का है,
अब उसी के पास पूंजी नहीं है तो वो बुनकरों को क्या देते हैं। तो वैसे स्थिति में एक और सरकार से हम डिमांड करेंगे कि प्रति परिवार जो लूम चलवाते हैं 1,00,000 रुपया बिना ब्याज के अगर उस परिवार को दिया जाए तो उसके अंडर जो काम करने वाले बुनकर है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगी। ये जो मशीन बंद है ना सर, तो कारण यही है कि ताली है तो भर नहीं रहा है, भर नहीं है तो ताली नहीं, इस कारण बंद है मशीन। अब ये मतलब जुगाड़ करेगा कारीगर, पैसा उठाएगा महाजन से, तब उसके बाद फिर जुगाड़ होगा तो फिर चालू होगा। लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है? लॉकडाउन के बाद स्थिति जो महंगाई देखिए रहे हैं सर, कहाँ जा रही है, तो लोग पेट में डालेगा कि मशीन चालू करेगा, पहले तो जरूरी है सर पेट। कितने दिन से बंद पड़ा हुआ इस तरह से? सप्ताह 10 दिन। तो सुना आपने इन लोगों की लाचारी कैसी है, उन्हें सरकार ने किस मंजर पर लाकर खड़ा कर लिया है कि अपनी कारीगरी अपनी कला छोड़कर वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। ये लोग ना सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा पढ़ाई बल्कि अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए भी सरकार के आगे अब गुहार लगा रहे हैं। आज बुनकर का काम करने वाले 90% बुनकर लूम को बेचने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल पुरुषों के संक्रमण काल के दौरान लगभग पिछले 2 वर्षों से सिल्क के कपड़े की मांग पूरे देश और दुनिया में काफ़ी कम हुई है, जिससे बुनकरों की हालत दयनीय हो गई है, जिससे सिल्क कारोबारी और बुनकर ज़्यादातर लूम बंद होने के कारण बेरोजगार होकर मजदूरी करने के लिए विवश हो गए हैं। बुनकर बहुल क्षेत्र में अभी 90% लूम बंद पड़ी है। 10% लोग इसलिए चला रहे हैं ताकि उनके बचे हुए धागे खराब ना हो जाए। अब वह कपड़े लागत मूल्य से भी कम पर बेचने को विवश हो चुके हैं। लूम बंद होने से 1,00,000 बुनकर परिवार बेरोजगार हो चुके हैं और दिल पर पत्थर रख बेच दिया गया है लूम। कभी ये मालिक थे और अब ये मजदूर बन चुके हैं। यहाँ के बुनकर व्यवसायियों का दर्द भी कम नहीं है। कहते हैं कि घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, घर की छत जर्जर हुई है, तो इतने पैसे तक नहीं है कि उसे बनवा पाए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।